हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन ग्रैन्यूल्स की बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी। इसे हम बनाने वाले हैं 2 चम्मच तेल में और बिना प्याज और लहसुन के। ये सब्जी ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। सबसे पहले एक बर्तन में पानी को गैस पे रखेंगे, उसे बॉईल होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे। अब इस पानी में हमें सोया ग्रैन्यूल्स को बॉईल करना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कप सोया ग्रैन्यूल्स। अगर आपके पास सोया ग्रैन्यूल्स नहीं है तो आप सोया चंक्स को ग्राइंड करके इस तरह से ग्रैन्यूल्स भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ। उसके बाद इसको हमें बॉईल होने देना है। अच्छी तरह से एक बार चला देंगे, बीच बीच में चलाते रहें और उसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह बॉईल होने दें। हमने इसमें जो थोड़ा नमक मिलाया है उससे ग्रैन्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और बिल्कुल फीके नहीं लगेंगे जब इन्हें हम ग्रेवी में डालेंगे। साथ ही इससे ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अब ये अच्छी तरह बॉईल हो गए तो इसको स्ट्रेनर पे डाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक छन्नी पहले से रेडी करके रखी थी। इस तरह से इसको दबाते हुए पानी जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना उसको निकलने देंगे और पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब ग्रैन्यूल्स को अलग रख देंगे और ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिन्हें सबको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब इन्हें डाल देंगे एक ब्लेंडर जार में और बना लेंगे इनका स्मूथ पेस्ट। ध्यान रखें यहाँ पे पानी का यूज ना करें। अगर ब्लेंड करने में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इस पेस्ट को अलग रख के अब मैं यहाँ पे दही वाला मसाला तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1/2 कटोरी दही लिया है, जिसे फेंट लेंगे एक बार। फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये डाल रही हूँ। नमक डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा हमने ग्रैन्यूल्स को बॉईल करते समय भी डाला था, तो मैंने 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स दे देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। वैसे तो हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, लेकिन आप वीडियो में आगे तक बने रहें क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं 3 बहुत ही स्पेशल मसाले जो देंगे इसको एक खास टेस्ट। चलिए अब दही के मसाले को अलग रख देते हैं और ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे तेल। मैं यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ 2 चम्मच। अब इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ साबुत गर्म मसाले। यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंफ और साबुत धनिया। साबुत धनिए को आप देख सकते हैं मैंने क्रश कर लिया है, फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। तो ये सारे खड़े मसाले हमने इसमें डाल दिए। साथ में डालेंगे 1 तेज पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। सभी मसालों को फ्राई करेंगे। जब खड़े मसाले थोड़े से फ्राई हो जाएं तो इसमें डाल देंगे हम टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ है। अब इसे भी मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। टमाटर को भूनने में आपको करीब 3-4 मिनट लगेंगे। इस तरह लगातार चलाते जाएं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गाढ़ा होने लग गया है इस तरह से। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे दही वाला मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है। दही डालते समय एक बात का ध्यान रखें कि दही को लगातार चलाते रहें जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए। ऐसा करने से दही फटेगा नहीं और ग्रेवी एकदम स्मूद और यूनिफॉर्म बनेगी। तो यहाँ दही को मसाले के साथ भूनते हुए मुझे करीब 3-4 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो रहा है, इसका कलर भी बहुत बढ़िया सा आ रहा है और इसमें उबाल आने लग गया है। बस इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके वो ग्रेवी तैयार करेंगे। तो जिस ब्लेंडर जार में हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था और जिस कटोरी में हमने दही मिक्स किया था उनमें मिलाते हुए इस तरह से मैं पानी मिला रही हूँ। 1.5 कटोरी पानी मैंने अभी ऐड किया है। एक बार इस ग्रेवी को बॉईल आने देंगे, उसके बाद अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम पानी और मिला देंगे। इस ग्रेवी में भी अब बॉईल आने लग गया है। तो अब हम डाल देते हैं जो सोया ग्रैन्यूल्स हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। ये ग्रैन्यूल्स काफी पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो धीरे धीरे सब्जी गाढ़ी होने लगती है। अकॉर्डिंगली हम ग्रेवी एडजस्ट करेंगे। अभी मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पे अभी पानी और मिलाने वाली हूँ। उसके बाद इसको हम पकने के लिए रखेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। वैसे तो ग्रैन्यूल्स बॉईल करने से काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं कि मसाले के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो इसे ढक के पकाएंगे 3-4 मिनट तक, के बाद इसे चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है वो बिल्कुल अलग है और ग्रैन्यूल्स जो हैं बहुत फूले नहीं हैं। तो थोड़ा सा और पकाना होगा इसको। अब डालेंगे हम वो खास मसाले जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में। तो ये है कसूरी मेथी, भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे 1 छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ मैं 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे ये सब्जी बनने वाली है एकदम शाही और बहुत ही स्पेशल। अब फाइनली इसे 2-3 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे ताकि जो लास्ट में हमने खास मसाले डाले हैं वो अच्छे से ग्रेवी के साथ ब्लेंड हो जाए।
बनाएं। अब देखिए ये सब्ज़ी तैयार हो गई है, इसको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ना तो हमने प्याज यूज़ की ना लहसुन, और फिर भी ये देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया तैयार हुई है। कम तेल में बनी हुई ये प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन की सब्ज़ी आप सर्व करें चपाती पराठा या फिर चावल के साथ, बहुत ही खास लगती है। ज़रूर बनाकर देखें फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।